वेस्ट इंडीज के स्टार बल्लेबाज निकोलस पुरान को कौन सी टीम और कितने रुपए में खरीदा, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सनराइजर हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी निकोलस पुरान को शुक्रवार को मिनी नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा। पुरान का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपये था और दिल्ली के राजधानी के साथ ही एक बोली युद्ध के बाद स्टार वेस्टइंडीज के लखनऊ सुपर जायंट ने जीता। अपने आईपीएल करियर में पुरन ने 47 मैच खेले हैं और 191 की स्ट्राइक रेट से 912 रन बनाए हैं। अब तक उनका सर्वाधिक स्कोर 77 रन है। आईपीएल 2022 और वर्ल्ड कप का खराब प्रदर्शन उनकी कीमती को गिरा नहीं पाया और पिछले बार के मुकाबले से ज्यादा पैसे दिलाए। पुरन पर पैसा की बारिश हुई मगर सुपरस्टार फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने 16 करोड़ रुपए मिले, एक किसी को समझ नहीं आ रहा। पुरन आईपीएल 2022 में हैदराबाद में 14 मैच में मजा 306 रन बना पाए थे। उनके प्रदर्शन से फ्रेंचाइजी को काफ़ी निराश थी। पिछले आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 966 रन का था। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 में पुरन ने वेस्ट इंडीज की टीम को कप्तानी की थी और उनकी टीम के पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वेस्ट इंडीज ने 3 में से 2 मुकाबले गंवा दिए थे। इसके बाद पुरन ने कप्तानी भी छोड़ दी थी। क्या एलएसजी को निकोलस पुरन को लेना सही था या गलत है, हमें कमेंट करें जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।